महाराजगंज जनपद के सोगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कल से शुरू हो रहे जंगल सफारी को लेकर वन राज्य मंत्री ने जंगल सफारी से संबंधित वेबसाइट का उद्घाटन कर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोगो व सेंचुरी से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों पर बनाई गई पुस्तिका का विमोचन किया। महाराजगंज जनपद के सोगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए जंगल सफारी की शुरुआत की जा रही है। इसी की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में जंगल सफारी से संबंधित वेबसाइट का उद्घाटन कर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोगो व सेंचुरी से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों पर बनाई गई पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान वन राज्य मंत्री ने सभागार हाल में लगाए गए सोगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एवं जंगल के बीच स्थित कई बौद्ध स्थलों से जुड़ी हुई चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन कर अधिकारियों से क्षेत्र के विकास के संबंध में जानकारी लेकर उन्हें विभिन्न दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए वन राज्य मंत्री ने कहा, महाराजगंज जनपद में बहुत तेजी से इको टूरिज्म की शुरुआत हो रही है, इससे क्षेत्र में तेजी से टूरिज्म का विकास हो सकेगा। टूरिज्म के विकास से यहाँ पर रोजगार भी बढ़ेगा, साथ ही जंगल सफारी के जरिए लोगों को जानवर और पक्षियों के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। महाराजगंज में हम इको टूरिज्म बहुत तेजी से शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर हम बहुत तेजी से टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं ताकि यहाँ आसपास के लोगों को रोजगार मिले, दूर दूर से लोग आए आके यहाँ का जंगल देख के खुश हों, बच्चों में पेड़ों के प्रति एक लगाव हो, एक प्रेम डेवलप हो। उसके साथ ही साथ यहाँ पे एनिमल्स भी बहुत हैं, लेपर्ड हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, राइनो है, टाइगर है, हिरन हैं, बारहसिंघे हैं और बहुत से जानवर हैं। और इन जानवरों को जब बच्चे देखते हैं, हम लोग खुद देखते हैं, तो अलग ही खुशी का अनुभव महसूस करते हैं और इन जानवरों के प्रति एक प्रेम होना चाहिए। और हमारे जो जंगल हैं यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, हमने फ्लोरा एंड फौना दोनों काफ़ी तरह के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे बुद्धिस्ट सर्किट का 8वां स्तूप हमारे इस महाराजगंज में ही है, इसी सोगी बरवा जो हमारा वाइल्ड लाइफ है सोगी बरवा इसमें है। यहाँ पर हम बर्ड्स के लिए भी प्रमोट करेंगे और यहाँ पर हम सफारी शुरू कराएंगे ताकि आदमी आए, यहाँ की जीप में बैठे और यहाँ के जंगल का नज़ारा ले, उसको देख के दिल खुश हो। जंगल के अंदर प्योर ऑक्सीजन होती है, शुद्ध मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन जंगल के अंदर होती है ताकि उसको उसका भी लाभ मिले। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बुद्धिस्ट सर्किट भी हम शुरू करना चाहेंगे क्योंकि बुद्ध स्कूप 8th बुद्ध स्कूप हमारे इसी सोगी बरवा जंगल के अंदर है। हम उस तक कोशिश करेंगे कि हमारी सफारी जाए, लोग वहाँ भी दर्शन करें। जो लोग बुद्ध धर्म के बाहर से आते हैं, बाहर के देशों से आते हैं, उन्हें भी ये बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर आ जाएगा तो आसानी रहेगी, देखने में उन्हें अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही साथ हम आस पड़ोस के लोगों के लिए जो हमारे वन के पास में रहते हैं, वन टांगिया हैं, उनके लिए हम हेल्थ कैंप्स लगवाएंगे ताकि उनके स्वास्थ्य का देखभाल हो। और स्वास्थ्य के देखभाल के साथ ही साथ वहाँ पर हम कुछ और भी कैंप लगवाएंगे गैस का, जिन लोगों के यहाँ गैस नहीं है उनको गैस दी जाए ताकि उनको जंगल में लकड़ी काटने ना जाना पड़े। हर घर में ये कोशिश करेंगे कि शौचालय अवश्य बने, जिस घर में शौचालय नहीं है वहाँ हम शौचालय बनवाएंगे। आम तौर पर रात बिरात कोई जाता है शौच को जाता है